सभी लोग का अन्नपूर्णा सर्वेश्वरी सुमन की रसोई में स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं मगदल। हम लोग देहात में इसको मगदल लड्डू बोलते हैं, बेसन का लड्डू। और इसको बनाना तो बहुत ही आसान है, बस छोटी छोटी चीजों को हम लोग ध्यान दें तो एकदम दानेदार और बहुत ही मस्त लड्डू बनेगा, बिल्कुल मार्केट जैसे। तो इसके लिए हमें करना क्या है, यहाँ देख सकते हैं कि मैंने 500 ग्राम ये बेसन लिया है। मैंने देखिए घर में ही मिक्सर पीस का तैयार किया, ये नहीं कि आप भी इसका तैयार करें, ये बिल्कुल दानेदार है। आप इसको मार्केट से लें, अगर जब भी लड्डू बनाना हो तो मार्केट से लें, थोड़ा मोटा वाला लें बेसन, जिससे लड्डू बढ़िया बनता है। इसमें देखिए मैं करूंगी क्या, मैं इसमें 2 चम्मच देसी घी डालूंगी और 2 चम्मच ही मैं 2 से 3 चम्मच हम दूध डालेंगे और इसका हम लोग बढ़िया से मैन देंगे। तो यहाँ पे मैं 2 चम्मच 3 चम्मच हुआ, 1 चम्मच और डालेंगे क्योंकि छोटा वाला चम्मच है, इसमें थोड़ा सा नमी आ जाएगा। और अब इसको हम लेते हैं, आप बड़े बर्तन में ले लें ताकि मैन बढ़िया से दे पाए। अब इसको दोनों हाथों से हम घी और जो हमारा दूध है उसको हम लोग बढ़िया से इसमें मैन दे देंगे। तो ये जब हम लोग मैन दे करके और लड्डू बनाते हैं ना, तो ये बहुत ही दानेदार और बहुत टेस्टी हमारा लड्डू बनता है। और कहते हैं कि जितना बेसन होता है उसका डबल इस लड्डू में चीनी का प्रयोग किया जाता है। वैसे तो हम घर में बना रहे हैं तो आप थोड़ी बहुत कम कर सकते हैं, पर अगर 500 हमारा बेसन है ना तो इसमें हमारा 1 किलो चीनी का तगार लगेगा, तो ये लड्डू बिल्कुल मार्केट जैसा बनेगा। तो इसको पहले हम लोग बढ़िया से मैन दे लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि हमने मैन तो अच्छे से दे दिया है और ये बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो चुका है, मुलायम। और अब इसको करना क्या है कि हमको एक चलनी लेनी है और इस चलनी में हम सारे जो हमारा बेसन है उसको इसी में डाल के बढ़िया से आप अलग बर्तन में चाल लें। हमारा थोड़ा बड़ा परात है तो हम इसी में साइड में एक तरफ करके और इसको चाल लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि हम इस चलनी से बढ़िया से इसको छान लेंगे। अब छानते वक्त क्या आपको दिख रहा है, इसमें जो ये रवा टाइप में बड़ा बड़ा गोल गोल है ना, अगर इसको ऐसे कढ़ाई में डाल देंगे तो ये ऐसे ही रह जाएगा टाइट टाइट, ये बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होगा। तो इसी वजह से हम लोग देखिए चालने पे कितना सुंदर ये हो गया है, तो बस ऐसे ही इसको चाल लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि बिल्कुल हमने इसको छान करके अच्छे से तैयार कर लिया है और ये एक बिल्कुल रवादार दिख रहा है आपको ना, इसमें नमी टाइप में दिख रहा है। और यहाँ थोड़ा सा जो हमारा ये छानने के बाद जो निकला है इसको मैंने ऐसे ऐसे करके आप हाथ से दबा दबा करके, अगर यही चीज ज्यादा बड़ा बड़ा था उसको फोड़ती गई तो एकदम साफ हो गया, थोड़ा सा और बचा हुआ है इसको भी अगर आप चाहें ऐसे हाथ के दबा करके इसको इसमें डाल सकते हैं। तो अब चलिए हम अपना लड्डू बनाने के लिए घी लेकर कढ़ाई। तो यहाँ हमने कढ़ाई चढ़ा दी है और बिल्कुल आप मोटे तल का ही कढ़ाई लें जिससे कि हमारा बेसन लगे ना। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसमें 250 ग्राम बिल्कुल देसी घी, क्योंकि हमें हमारा 500 ग्राम हमारा बेसन है तो इसमें 250 ग्राम पाव भर हमारा बिल्कुल घी डालें। आप इसको वनस्पति में बना सकते हैं, देसी घी में भी बना सकते हैं, अगर आप चाहें तो। अब तो रिफाइंड में भी हलवाई भैया लोग बना रहे हैं और वो भी खाने में बहुत अच्छा लगता है, आपके पास जो सुविधा हो उसमें आप इसको बना सकते हैं। डाल दिया घी और घी हमारा बिल्कुल गर्म हो चुका है, तो यहाँ पे जो हमारा बेसन हमने मैन लगा कर रखा था वो सारे बेसन को हम इसी घी में डाल देते हैं और बिल्कुल हमारा परफेक्ट मार्केट जैसा जो हलवाई लोग दानेदार बनाकर बेचते हैं ना बेसन का लड्डू मगदल, वो चीज हम आज तैयार कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ हमारा बन के हमने सारा डाल दिया है, इसमें सारे बेसन को घी में डाल दिया है। अब इसको धीरे धीरे हम लोग मिला लेते हैं और ये पहले सारे घी को अपने अंदर सोख लेगा और जैसे जैसे हमारा बेसन भुनता जाएगा उसमें बढ़िया सा एक कलर आता जाएगा और वो घी छोड़ता जाएगा। बिल्कुल मीडियम फ्लेम में ही हम बेसन को भुनेंगे तभी हमारा जाकर एकदम दानेदार बढ़िया सा हमारा लड्डू तैयार होगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि हमारा बेसन बिल्कुल घी अब धीरे धीरे छोड़ रहा है और अभी भुना नहीं है क्योंकि हमने बिल्कुल फ्लेम इसका एकदम आँच धीमी कर दी है और इसी धीमी आंच पर हम इसको एकदम बादामी कलर आने तक भुनेंगे, तभी ये जाके हमारा परफेक्ट बेसन का लड्डू तैयार होगा। अगर इसको अब इतने पग उतार देते हैं तो हमारा लड्डू बिल्कुल कच्चा होगा। तो हमें एक बढ़िया सा लड्डू बनाना है बिल्कुल हलवाई जैसा जो कि वो लोग बनाते हैं,
उनको उनका लड्डू बहुत भी पसंद किया जाता है। सेम वही चीज मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग इसको कैसे बनाते हैं। देखिए धीरे धीरे ये बिल्कुल फदक रहा है, जैसे कि ये पूरा अपने अंदर जितना भी घी सोखा था वो धीरे धीरे छोड़ रहा है, और इसमें लग रहा है कि जैसे जाली टाइप में पड़ रही है, लेकिन अभी ये भुना नहीं है। तो अब धीरे धीरे हमारा बेसन बढ़िया से इसमें से खुशबू भी आ रही है, और अब लग रहा है कि धीरे धीरे हमारा बेसन बादामी कलर का हो गया है। तो अब ये धीरे धीरे भून चुका है, तो अब इसको हमको करना क्या है कि इसको हम लोग उतार लेंगे, क्योंकि हमारी कढ़ाई बिल्कुल गर्म रहेगी। उतारने के बाद भी हम लोग इसको 1 से 2 मिनट तक बिल्कुल ऐसे ही चलाएंगे। तो देख सकते हैं कि इसमें अच्छा सा एक कलर आ चुका है, और ये अब बढ़िया सा हमारा बेसन दानेदार भून भी चुका है। इसको भूनने में 500 ग्राम बेसन भूनने में कम से कम हमारा 7 से 8 मिनट लगा है, और हमने इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर भूना है, क्योंकि ये घी इसमें ज्यादा होता है तो ये भूनने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, और वही कम घी रहता तो ये भूनने में समय लगता है। ये देख रहे हैं कि इसमें एकदम जाली परफेक्ट पड़ रही है, और ये बादामी कलर का लग रहा है। तो इसको उतारेंगे तो इसमें हम लोग केसरिया रंग डालेंगे, जिससे कि इसका बहुत ही बढ़िया और बहुत बढ़िया इसका कलर आ जाए, जिससे कि देखने में हमारा लड्डू बिल्कुल अच्छा दिखे और स्वाद भी इसका एकदम बढ़िया सा है। तो अब गैस बंद कर देते हैं, क्योंकि हमारा बेसन बढ़िया सा एकदम भून के तैयार हो चुका है। देख सकते हैं इसमें जाली भी पड़ रही है, तो यहाँ देख सकते हैं अभी इसको हमने उतार लिया है, पर ये बढ़िया से अभी खदक रहा है, क्योंकि हमारी कढ़ाई बहुत थोड़ा मोटी है, तो इसको हम लोग चलाते रहेंगे। नहीं चलाएंगे तो बिल्कुल ये नीचे और ज्यादा ये एकदम लाल हो जाएगा, तो वो ठीक नहीं बनता है लड्डू। और देख सकते हैं एकदम भून के तैयार हो चुका है और बहुत बढ़िया दिख रहा है ये। अब इसमें हम लोग डाल देते हैं थोड़ा सा, इसी में हम लोग डाल देते हैं केसरिया रंग, जिससे कि हमारा लड्डू का कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। मैंने ऊपर नहीं डाला, क्योंकि ऊपर डालने से क्या होता है, कलर ज्यादा हीट होने से इसमें बढ़िया से नहीं आता है। तो देख सकते हैं कि मैंने इसमें कलर डाल दिया है, और इसका कलर भी बहुत अब अच्छा देखने में लग रहा है, बिल्कुल एकदम मार्केट जैसे लड्डू का। तो अभी थोड़ा ये ठंडा हो जाएगा, तभी इसमें हम लोग चीनी और इलायची पाउडर मिलाएंगे। अब इसमें हम लोग, यहाँ पे मैं ले रही हूँ बिल्कुल 1/2 किलो से ज्यादा हमारा, मतलब 500 ग्राम से हमारा ज्यादा ये चीनी का चूरा है, क्योंकि हमने 500 ग्राम बेसन लिया था तो उसमें हम 75 ग्राम चीनी का बुरादा डाल रहे हैं, जो हमारा तगार है। तो इसको हम लोग इसी में डाल देते हैं, और इसको डाल करके हम लोग बिल्कुल बढ़िया से इसमें फेटेंगे। यहाँ पे हमने इसको डाला और बिल्कुल बढ़िया से इसको इसी में हम लोग फेट लेते हैं, क्योंकि चीनी का जितना बढ़िया इसमें तगार रहेगा उतना ही बढ़िया और परफेक्ट हमारा लड्डू बनेगा। अगर हम चीनी पीस के डाल देते हैं तो वो दानेदार नहीं बनता है, जितना हमको दानेदार ये लड्डू चाहिए। तो हमने इसको सबको इसी में बढ़िया से मिला लिया है, और अब इसमें हम लोग डाल देते हैं इलायची का पाउडर। तो इसमें हम सारे बड़े बर्तन में अपना जो हमारा मगदल का तैयार है माल, इसको हम लोग इसी में डाल देते हैं, और थोड़ा सा इसको हम लोग ठंडा होने का इंतजार करेंगे। हम लोग इलायची का पाउडर डाल देते हैं, आप इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डाल सकते हैं। तो अब इसको हम लोग थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे, और इसको ऐसे ऐसे मिलाते रहेंगे, जिससे कि इसमें वैसे तो चीनी का तगार इतना परफेक्ट बना है और पड़ा इसमें है कि ये एकदम एक भी दाना का इसमें गुठली नहीं बनेगा। और देख सकते हैं कि आपको बेसन का जो लड्डू दिख रहा है बिल्कुल मार्केट हलवाई जैसा दिख रहा है, लेकिन उनसे भी बेहतर हमारा। अब हमारा बिल्कुल मगदल का तैयार हो चुका है, बेसन और चीनी हमारा जितना सामान है, देख सकते हैं बिल्कुल हमारा लड्डू के लिए परफेक्ट तैयार है। अब हम इसका लड्डू बनाते हैं, और हल्का सा गुनगुना रहे तभी लड्डू आप बनाएं, बहुत बढ़िया लड्डू बनेगा। और इसका दोनों हाथ से आप लेते जाइए, और इसको ऐसे ऐसे आप हाथ दोनों हाथ में, आप चाहे तो किसी छोटी सी कटोरी को भर के उसको हाथ में लेकर के भी आप साइज दे सकते हैं। और ये देखिए हमारा बिल्कुल बढ़िया सा एकदम दानेदार लड्डू हमारे तैयार हो चुके हैं, और बनाना बहुत ही आसान है। आप जब चाहें बिल्कुल कुछ सामग्री से घर में ही एकदम बढ़िया से कम पैसे में आप मगदल लड्डू, आप देख सकते हैं तैयार हमारा है, और कितना बढ़िया दिखने में लग रहा है, जितना बढ़िया उससे कहीं ज्यादा खाने में सुंदर भी लगेगा और टेस्टी भी है। तो अब इसको हम लोग अपना यहाँ पे थाली में लगा लेते हैं, और ऐसे ही हम फिर बनाते हैं। देखिए आप थोड़ा ज्यादा लीजिए, जो अधिका होगा आपके हाथ से वो गिरता चला जाएगा, और जो आपके मुट्ठी में आ जाएगा वही आपका लड्डू कहलाएगा।
देखिए ये आपका लड्डू बहुत ही बढ़िया और बहुत टेस्टी बन के तैयार। देखिए मैंने बिल्कुल हलवाइयों जैसा लड्डू आपको तैयार करके दिखाया ना, कहीं से भी आपको कोई इसमें कमी दिख रही है, अगर कमी दिखे तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसमें आपको ऐसी क्या कमी देखी, तो वो भी मैं पूरा सुधारने का कोशिश करूंगी। और देखिए आपसे बातें भी करती रही और फिर मेरे दो लड्डू और तैयार हो गए। यहाँ पे हमने 5 लड्डू बना लिए हैं अपने गजानन के लिए, क्योंकि 5 लड्डू सुमा जाता है, तो अब मैं सारे लड्डू ऐसे ही बना लूंगी। आप ये देख सकते हैं कि हमारा बिल्कुल बढ़िया सा लड्डू बन के तैयार हो चुका है और मैं आपको तोड़ के भी दिखला दूंगी कि बिल्कुल परफेक्ट जो लड्डू हमें चाहिए वही लड्डू बन के तैयार है। इसमें देख सकते हैं कि बिल्कुल इसका आप मैं दाना दिखा दूं, बिल्कुल पास से एकदम बढ़िया सा दाना। और ये लड्डू देखिए बिल्कुल दानेदार हमारा बन के बेसन का लड्डू तैयार हो चुका है। आप लोग भी बिल्कुल ऐसे ही बनाएं, हमारा लड्डू बन के तैयार हो चुका है, आप लोग भी बिल्कुल ऐसे ही बनाएं। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोग को हमारे बनाने का तरीका कैसा लगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो हम लोग फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।